भारत देश की सभी न्यूज एजेंसियां क्या केंद्र सरकार के अंडर काम कर रही हैं? अगर नहीं तो फिर ये जो भी ग्राउंड रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं वो हकीकत में ग्राउंड रिपोर्ट क्यों नहीं होती? दिल्ली में आई बाढ़ का सबसे बड़ा कारण क्या सच में बीजेपी है? क्या वो दिल्ली के साथ साथ दिल्ली की सरकार को भी डुबाना चाहती है? आइए देखें ये वीडियो। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनीकुट बैराज पर, जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हथनीकुट बैराज है, ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इसे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड सहारनपुर साइड एक नहर जाती है, तो इसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो सहारनपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी है। सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है साथ में, जो हमने आपको दिखाया था 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है, कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको वो फ्लो दिखाता हूँ जो दिल्ली की साइड जा रहा है। सारा के सारा इस साइड से मैं आपको फ्लो दिखा सकता हूँ, ये सारा यूपी की साइड है, ये सारी नहर सूखी है और फ्लो है।